हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। मैं हूं मिंटू नंदी। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसका पार्ट है पार्ट फाइव। पार्ट फोर में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्लैंक्स का थ्योरी क्या है। ठीक है, तो प्लैंक्स का थ्योरी क्या था? प्लैंक्स का थ्योरी था कि ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल गेन और एब्जॉर्ब सॉरी गेन और इमिट एनर्जी डिस्कॉन्टिन्यूअसली। यही प्लैंक्स थ्योरी के यही था प्लैंक्स थ्योरी। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? कॉन्सिक्वेंस था कि द एनर्जी ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है सॉरी माइक्रोस्कोपिक नहीं होगा ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एनर्जी टेकअप करता है डिसकंटिन्यूसली। इसका मतलब कि इसके पास फोटोन आता है। ये जो रेडिएशन, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं रहेगा, ये एनर्जी होगा। दिस एनर्जी कॉन्सिस्ट्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स, दिस आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोग बोले थे कि ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पहले एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, फिर एनर्जाइज होगा, फिर सेकेंड फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, फिर एनर्जाइज होगा। और एमिट कैसे करेगा? पहले एक फोटोन एमिट करेगा, फिर वो डी एनर्जाइज होगा, फिर सेकेंड फोटोन एमिट करेगा, फिर डी एनर्जाइज होगा। मतलब ये जो एनर्जी गेन और एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट एमिशन, ये जो प्रोसेस है ये डिसकॉन्टिन्यूसली हो रहा है। मतलब एक फोटोन छोड़ने के बाद और एक फोटोन छोड़ने में एक गैप रहता है। सिमिलरली एक फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद और एक फोटोन एब्जॉर्ब करने में एक गैप रहता है। मतलब एनर्जी गेन और एमिशन दोनों में ही गैप रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस गेन और एमिशन। ठीक है, तो इसी से हम लोग को कॉन्सिक्वेंस जो मिला था, जो रिजल्ट मिला था प्लैंक्स थ्योरी का, जो कंक्लूजन मिला था वो है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होगा। मतलब एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एनर्जी एन ई होगा, और एन ई ठीक है एन ई होगा। दिस इज द मिनिमम एनर्जी। क्यों? मतलब एन जब वन हो जाएगा तब इसको ये टोटल वैल्यू हो जाएगा ई, और वही होगा मिनिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब एन जब टू हो जाएगा तब इसको एनर्जी हो गया पार्टिकल का एनर्जी, इस पार्टिकल का एनर्जी है एन ई। मतलब जब एन वन हो जाएगा तो इसका एनर्जी हो गया ई, जब एन टू हो गया इसकी एनर्जी हो जाएगा टू ई, जब एन थ्री हो गया इसकी एनर्जी हो जाएगा थ्री एंड सो ऑन। मतलब ये जो पार्टिकल का एनर्जी ये एन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ये एन वैल्यू को बोलते हैं हम क्वांटम नंबर। ठीक है, इस एन को कहते हैं हम क्वांटम नंबर। इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम नंबर द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज सेट। ठीक है, अब ये एनर्जी वेरी करेगा ई से टू ई से थ्री से फोर ई फाइव ई सो ऑन। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है ई और टू ई के बीच, देखिए इसका एनर्जी डिफरेंस है ई, यहाँ पर भी एनर्जी डिफरेंस है ई, उसके बाद भी एनर्जी डिफरेंस रहेगा ई। मतलब क्या? इस पार्टिकल का जो एनर्जी, पहले मान लो पार्टिकल ई एनर्जी में था, फिर एक फोटोन उसने एब्जॉर्ब करके उसका एनर्जी बढ़ के एक्साइटेड होके हो गया टू ई।
मतलब वो जो फोटोन बाहर से आया उसकी एनर्जी ई के बराबर है, इसलिए ऐड होके 2E हो गया। फिर और एक फोटोन आया, फिर उसको एनर्जी दिया, फिर उसकी एनर्जी हो गया 3। फिर फोर्थ फोटोन आया, उसकी एनर्जी हो गया, फिर फोर्थ फोटोन आया और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी हो गया 4E। मतलब एक जो पार्ट ये जो पार्टिकल है इसका एनर्जी क्वांटाइज्ड हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन, इसको कहते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन, ठीक है। ये एनर्जी कोई भी वैल्यू एडप्ट नहीं कर पाएगा, इसके सर्टेन कुछ वैल्यूज रहेगा, वो डिपेंड करेगा इस क्वांटम नंबर के वैल्यू के ऊपर। ये क्वांटम नंबर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम नंबर वैल्यू द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को कहते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन के दौरान जो एन आता है उसको कहते हैं हम क्वांटम नंबर। यही कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन हैज बीन एडॉप्टेड बाय बोर। तो बोर जो जब उसका एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था तब यही एनर्जी क्वांटाइजेशन उसने यूज किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बोर का एटॉमिक थ्योरी बा एटॉमिक मॉडल क्या है। बोर्स एटॉमिक मॉडल, व्हाट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसको मॉडिफाई किया था, और मॉडिफाई करने के टाइम उसने कुछ कंडीशन अप्लाई किया था उस रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए बोर ने कुछ पोस्टुलेट प्रपोज किया था। अब वो पोस्टुलेट क्या क्या है वही हम देखेंगे। नंबर वन, दैट इलेक्ट्रॉन cannot move, sorry, electron moves around the nucleus in a certain permitted orbits। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कुछ परमिटेड ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इट कैनॉट मूव इन एनी ऑर्बिट व्हाइल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, द एंगुलर मोमेंटम दैट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज एम वी आर, वेयर एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस, एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट परमिटेड ऑर्बिट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एच बाई 2 पाई, हर एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ओके। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था बोर एटॉमिक मॉडल का, कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट, कुछ परमिटेड ऑर्बिट रहता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, उसी परमिटेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इट कैनॉट मूव इन एनी ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन, और उस सर्टेन ऑर्बिट में मूव करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को एक कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये कि व्हाइल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन इन द परमिटेड ऑर्बिट, इन द परमिटेड ऑर्बिट, व्हाइल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द परमिटेड ऑर्बिट, उस परमिटेड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तब उसको क्या कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा, कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन
मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई ऑफ, उस एंगुलर मोमेंटम को हम मैथमेटिकली लिखते हैं एम वी आर, दिस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एम का वैल्यू होगा वन वन टू थ्री डॉट 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 एटसेट्रा, मतलब वन एंड टू के बीच एन का कोई वैल्यू नहीं होगा, टू और थ्री के बीच एन का कोई नहीं वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा ओनली इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये है बोर का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। अब ये जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है इसको कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। देखिए ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल हमारा एनर्जी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से मिलता है, कि वहां पर भी एक पार्टिकल का एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकता, वो होगा एन ई, एन का मतलब है क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी वही वो जो कॉन्सेप्ट प्लैंक का उसी कॉन्सेप्ट को बोर ने अडॉप्ट किया था और दूसरी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया, डायरेक्टली नहीं बोला कि एनर्जी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोला, उसने घुमा के बोला है बोर कि एक इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में सराउंडिंग द न्यूक्लियस कोई भी ऑर्बिट में घूम नहीं सकता है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ परमिटेड ऑर्बिट रहता है। ठीक है, उस परमिटेड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन ओनली घूमेगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन परमिटेड ऑर्बिट में जब घूम रहा है तब उसका उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई, मतलब एन का वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच बाई टू पाई भी हो सकता है, टू एच बाई टू पाई भी हो सकता है, थ्री एच बाई टू पाई भी हो सकता है और फोर एच बाई टू पाई भी हो सकता है, मतलब वन एच बाई टू पाई एंड टू एच बाई टू पाई के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो यही होगा, इसी को कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, और एन को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको कहते हैं ऑर्बिट नंबर भी कहते हैं, मतलब जब एन वन हो जाएगा इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस के एकदम पास का जो ऑर्बिट है, पहला वाला ऑर्बिट है उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। एन इजिकल टू जब टू होगा उसको कहते हैं सेकेंड ऑर्बिट, एन इजिकल टू थ्री होगा उसको कहते हैं थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। अब इसको हम पिक्टोरियली अब अगर डिपिक्ट करें तो कैसा दिखेगा ये, पिक्टोरियल डिपिक्शन अगर करेंगे तो यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब ये n is equal to 1, इस ऑर्बिट का वैल्यू, ये जो ऑर्बिट है इसका है n is equal to 2, ये है n is equal to 3, ये है n is equal to 4, इसका मतलब कि ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट, ये है फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे करके बहुत सारा ऑर्बिट रहेगा। अब इस ऑर्बिट में ही, ये सब ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। ठीक है, अब जब घूमेगा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, यहाँ पर जब घूमेगा इलेक्ट्रॉन उसका एंगुलर मोमेंटम होगा एच बाई टू पाई, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम होगा टू एच बाई टू पाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा थ्री एच बाई टू पाई, यहाँ पर होगा फोर एच बाई टू पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसका नोमेनक्लेचर भी है कि n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं k ऑर्बिट, इसको कहते हैं l ऑर्बिट, सब कैपिटल में है, इसे कहते हैं m ऑर्बिट एंड सो ऑन, मतलब ये हो गया k ऑर्बिट, ये हो गया l ऑर्बिट, ये हो गया m ऑर्बिट, ये हो गया n ऑर्बिट एंड सो ऑन, ऐसे नोमेनक्लेचर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, कुछ सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट है। देखिए यहाँ पर ये ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इस बीच में इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता, मतलब इस बीच में कोई परमिटेड ऑर्बिट नहीं है। परमिटेड ऑर्बिट कहाँ है, यहाँ पर ये है परमिटेड ऑर्बिट और ये है एक परमिटेड ऑर्बिट, ये भी एक परमिटेड ऑर्बिट है,
ये भी एक परमिटेड ऑर्बिट है, मतलब ये जो दोनों परमिटेड ऑर्बिट, इसके बीच में कोई ऑर्बिट नहीं है, मतलब वहां पर एटम जो है उस वहां पर एक ऑर्बिट लगाने का परमिट नहीं देता, परमिशन नहीं देता है, ठीक है। तो वहां पर कोई ऑर्बिट नहीं रहेगा, मतलब वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन ओनली इस ऑर्बिट में घूमेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ओनली दिस परमिटेड ऑर्बिट्स में घूमेगा, ठीक है। तो ये है बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट, द सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट इज इन ए परमिटेड ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन कैनॉट एब्सॉर्ब और एमिट एनी काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग सच मोशन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फिक्स्ड, ड्यूरिंग सच मोशन इन ए ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन फिक्स्ड एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब परमिटेड ऑर्बिट में घूम रहा है, ये जो परमिटेड ऑर्बिट में घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब परमिटेड ऑर्बिट में घूम रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और एनर्जी इमिट भी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका एनर्जी फिक्स है। अब ये जो पोस्टुलेट है, ये रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक्स था उसको एक्सप्लेन करता है। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स कह रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ए चार्ज पार्टिकल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल और उसका मोशन है, अब वो घूम रहा है, मतलब वो एनर्जी रिलीज करेगा, अब एनर्जी जब रिलीज करेगा तो स्पाइरल मोशन दिखा के वो न्यूक्लियस के ऊपर जाके पड़ेगा और एटम के एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, बट एटम तो एग्जिस्ट करता है, बहुत स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए सेकेंड पोस्टुलेट बोर ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक परमिटेड ऑर्बिट पे घूम रहा है, तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट भी नहीं करेगा और एनर्जी गेन भी नहीं करेगा, ठीक है, मतलब उसका एनर्जी फिक्स रहेगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स मेंटेन और इलेक्ट्रोडायनामिक्स फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब है वो क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं जो सबएटॉमिक पार्टिकल होता है सच एज इलेक्ट्रॉन, वो क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो करता है, क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो नहीं करता। इसीलिए बोर ने यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करके बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज ए सबएटॉमिक पार्टिकल एंड इट डज नॉट फॉलो द इलेक्ट्रोडायनामिक्स व्हिच इज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इट फॉलोज द रूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स का रूल फॉलो करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कि इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में घूमेगा तब तक उसका एनर्जी फिक्स रहेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और एनर्जी इमिट भी नहीं करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, अब ऐसा वो कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, अब ऐसा ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट, ये ईच एंड इंडिविजुअल ऑर्बिट को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी मतलब वहां पर एनर्जी फिक्स है, ठीक है, उस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, ऑर्बिट का एनर्जी किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा अगर बाहर से हम स्टिमुलेट ना करें तो, ठीक है। तो इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तब उसका एनर्जी फिक्स रहेगा, अब
एनर्जी फिक्स रहता है, इसीलिए इस ऑर्बिट को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब ये के भी हो गया एक स्टेशनरी ऑर्बिट, एल भी एक स्टेशनरी ऑर्बिट है, एम भी एक स्टेशनरी ऑर्बिट है, एंड एन भी एक स्टेशनरी ऑर्बिट है। मतलब जितना परमिटेड ऑर्बिट्स होता है एक एटम में न्यूक्लियस के बाहर, जितना परमिटेड जब और जो जितना सब परमिटेड ऑर्बिट रहता है, सभी परमिटेड ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि उस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तब उसकी एनर्जी फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। गेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट भी नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी फिक्स है, इसलिए इस ऑर्बिट को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, वो क्या है? ये फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हमको पता है ये है n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, और ये हो गया n इज इक्वल टू 4। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या है? एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट। पहले बता दूं कि ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट क्या है। जो सब ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास रहता है उसका एनर्जी कम होता है, अब जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर रहता है उसकी एनर्जी हाई होता है। ठीक है, तो ए एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट, मतलब एन इज इक्वल टू 1 सच एज एन इज इक्वल टू 1 टू हायर एनर्जी ऑर्बिट सच एज एन इज इक्वल टू 3 बाय एब्जॉर्बिंग। एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट by absorbing energy and by absorbing photon of particular energy and it jumps from higher energy ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट बाय एमिटिंग ए फोटोन ऑफ सर्टेन एनर्जी। तो ये थर्ड एंड लास्ट पोस्टुलेट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान लो घूम रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो थर्ड पोस्टुलेट बता रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, मतलब ये एन इज इक्वल टू 1 से 3 में जा रहा है और टू इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 2 से 4 में जा रहा है बाई एब्जॉर्बिंग फोटोन ऑफ पार्टिकुलर एनर्जी। मतलब यहाँ पर ये दोनों ही यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या एब्जॉर्ब करेगा? फोटोन, फोटोन, ठीक है, यहाँ पर एक फोटोन, ऑफ कोर्स एक फोटोन। मतलब कि एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एज इज इक्वल टू 1 से एन इज इक्वल टू 3 जा रहा है बाय एब्जॉर्बिंग वन फोटोन ऑफ एनर्जी। मान लो इसका एनर्जी है एच न्यू 1 और इसका एनर्जी हो गया एच न्यू 2। ठीक है, तो यही बताया कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तब वो
कैसे जाएगा, एनर्जाइज्ड होके जाएगा, मतलब उसको एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से। अब बाहर से एनर्जी कैसे देंगे कि बाहर से एक फोटोन आता है और पार्टिकुलर एनर्जी से लेके आता है वो फोटोन, फिर आके इलेक्ट्रॉन को वो पूरा एनर्जी दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन वो पूरा एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। जैसे यहाँ पर n = 1 से n = 3 ऑर्बिट में गया, सिमिलरली यहाँ पर n = 2 से n = 4 में गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 भी जा सकता है, 3 से 4 भी जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट बाई एमिटिंग ए फोटोन ऑफ सर्टेन एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जा रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में कैसे जाएगा, एनर्जी छोड़ के। अब एनर्जी कैसे छोड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ फोटोन, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन 1 में जा रहा है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन 2 में जा रहा है, जब ये 1 में जा रहा है 3 से, तो ये फोटोन 1 फोटोन ये रिलीज कर रहा है। अब उसका एनर्जी क्या होगा, एच न्यू 1 ही होगा। क्यों, यहाँ पर यही सेम इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में गया था एच न्यू 1 एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब करके, तो सेम इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जाएगा एच न्यू 1 एनर्जी का फोटोन रिलीज करके। सिमिलरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है, ठीक है, वो भी एनर्जी, वो भी 1 फोटोन रिलीज करके सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा। अब वो रिलीज, जो फोटोन रिलीज हुआ है उसका एनर्जी होगा यहाँ पर एच न्यू। मतलब यहाँ पर फेनोमेना क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाना पड़ेगा तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आना पड़ेगा, तब वो ही एनर्जी छोड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। वो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं छोड़ता है, यहाँ पर फोटोन छोड़ता है। अब कितना फोटोन छोड़ता है, एक फोटोन छोड़ गया, एक साथ बहुत सारे फोटोन नहीं छोड़ेगा। ये प्लैंक्स बताया गया था, प्लैंक्स बता के गया था कि फोटोन ओनली एक एक करके जाएगा और निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक फोटोन और पार्टिकुलर एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर एनर्जी का फोटोन रिलीज करके लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है। सो दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट। इसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल को बेस करके कुछ थियोरिकल कैलकुलेशन है, वहाँ पर हम करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं जब वो परमिटेड बोर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका एनर्जी कितना होगा। अब परमिटेड बोर ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, ठीक है, इसका रेडियस कितना होगा। अब ये रेडियस कैलकुलेशन भी है। अब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका एनर्जी कितना होगा, जो एनर्जी फिक्स रहता है, जो सेकंड पोस्टर में बताया गया, बताया था, डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स रहेगा जब वो बोर ऑर्बिट में घूमेगा, तो ये बोर ऑर्बिट में जब घूम रहा है उसके एनर्जी कितना होगा, इसका सब थियोरिकल कैलकुलेशन है, थियोरिकल बैकग्राउंड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।